ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। Your creative people, we are doing the most disservice to the nation. If there is intolerance to creativity, and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step. शाहरुख खान भाई साहब की ये जो लाइन अभी आई है, उसकी टाइमिंग देखिए। वो बिहार चुनाव के समय आया, बिहार चुनाव में भी सीमांचल के चुनाव के समय आया, जहां हमारे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। राजनीतिक बयान है और कांग्रेस और उसके समर्थित पार्टियों को फायदा पहुंचाता है। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है, तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय का निजी बयान है, इससे काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कौन सा देशद्रोह का काम किया शाहरुख खान जी ने? मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। देशद्रोही ये लोग हैं, ये देश को टुकड़ा टुकड़ा। प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहेंगे। भगवा वस्त्र पहन के, हाँ, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? आप लोगों से कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। नजरिया, अगर आप उसको स्पेसिफिकली बोलो तो बताऊंगा, क्योंकि आजकल मैं स्पेसिफिकली बोलना पूछना शुरू कर देता हूँ कि किस किस सिलसिले में आप बात कर रहे हैं इंटॉलरेंस के। सिर्फ शब्द मत बोलिए, मुझे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट बताइए तो मैं जवाब देता हूँ उसका। सीधे रूप से बोल रहा है, प्रगति कर रहा है और मॉडर्न टर्म्स में जा रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब भी जो 50% हमारी जनता है जो अब 25 साल की है, उनको अगर मैं कोई सीख दे सकूं तो वही है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स और जेंडर कोई भी डिफ्रेंसिएशन ना करें तो बहुत अच्छा है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अभी इस वक्त हो रहा है, मुझे नहीं लगता, मैं बड़ा साफ साफ कहता हूँ, डर गया हूँ मैं यार। सब कुछ बहुत अच्छा हमारे देश में, गॉड ब्लेस इंडिया, लॉन्ग लिव अस, लॉन्ग लव अस इंडियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे साथ किसी पर भी मैंने ऐसी बात नहीं की है, ना मैं कहना चाहूंगा। और प्लीज, एक दो बेवकूफ इंसान अभी भी होंगे कहेंगे कि फिल्म रिलीज हो रही है इसलिए कह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो सच्चाई है।